नमस्कार दोस्तों, हूँ धवल। एक बार फिर से आपके सामने एक नई और बेहतरीन कहानी लेके आया हूँ जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी और कुछ नया सोचने को मिलेगा। आज मैं बात करूंगा एक बुजुर्ग आदमी और उसने बनाया हुआ जादुई कुआं। जी हाँ दोस्तों, वो बुजुर्ग आदमी उस जादुई कुएं में जो भी अपनी इच्छा होती थी वो मांग लेता था और वहां से उसे गिफ्ट के तौर में उसे वो मिल जाता था और हर वो चीज उसने पाई जो हर किसी की जिंदगी में एक सपना है। आप भी ऐसा रहस्यमय कुआं खुद का बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि मैं ये सारे राज खोलने वाला हूँ कैसे आप अपना जादुई कुआं बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मेरे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आपको बहुत ही मनोरंजन और रहस्यमय वीडियो मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की कहानी की। एक वृद्ध आदमी ने एक ऐसा जादुई चमत्कारी कुआं बनाया था जिसमें वो जो इच्छा होती वो बोलता था और वो कुआं उसे गिफ्ट के तौर में दे देता था। ऐसा जादुई कुआं आप भी बना सकते हो। एक दिन वही बुजुर्ग आदमी अपने जादुई चमत्कारी कुएं के पास में खड़ा खड़ा कुछ सोच रहा था। वहीं 8 साल का एक छोटा बच्चा आया और बोला, दादाजी। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा उस वृद्ध आदमी का, उस बुजुर्ग आदमी का पोता था और वो बच्चे ने उसको, बुजुर्ग आदमी को बोला कि दादाजी, आपके जीवन का रहस्य क्या है? आप इतनी उम्र में, आप बुजुर्ग हो गए लेकिन आपके पास सब कुछ है और आप इतने खुश भी हो अपनी जिंदगी के, मुझे वो रहस्य सीखना है। तो दादाजी ने बड़े ही प्यार से उसके सामने देखा, उसके कंधों पे हाथ भी सहलाया और बोला कि ठीक है, मैं आज वो रहस्य खोलता हूँ। मैं अपने अनुभव का वो खजाना तुम्हारे सामने खोलने जा रहा हूँ जो हर किसी को अगर मिल जाए और वो उस खजाने का यूज करे तो वो भी अपनी जिंदगी में मेरी तरह और सबकी तरह आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, मैं बोलने जा रहा हूँ वो जादुई खजाना जिससे आप अपना खुद का जादुई चमत्कारी कुआं बना सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिए। 4 बातें उस बुजुर्ग आदमी ने वो बच्चे से कही और वो चार बातों से आप अपने खुद का जादुई कुआं बना सकते हैं। बिलीव कीजिए आप मेरे में। तो सबसे पहले उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि थिंक करो, सोचो। जी हाँ दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, आपकी जितनी बड़ी सोच होगी, आप जितना सोच सकते हो और सही दिशा में जितना बड़ा सोच सकते हो उतना आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सोच सच्ची हो, पूरे दिल से सोची हुई सोच हो और आप अपने जीवन में जितना भी बड़ा सोच सकते हो इतना सोचे। उस बुजुर्ग आदमी ने इतना ही कहा कि सोचो, जितना सोच सको सोचो। उस बुजुर्ग आदमी ने दूसरी बात की, बिलीव। आप अपने खुद पे भरोसा रखिए, बिलीव कीजिए, खुद पे हौसला रखिए और खुद की बातों पे, खुद ने जो सोचा है उस पे बिलीव कीजिए, अपने आप पे श्रद्धा रखिए और उस मार्ग पे आगे बढ़े। उस बुजुर्ग आदमी ने तीसरी बात की कि ड्रीम। जी हाँ दोस्तों, उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ड्रीम देखो, सपना देखो, अपनी जीत का सपना देखो और ऐसा सपना देखो कि आपने जो जो बात सोची हुई है वो बात सच हो जाए। तो उसने पहले कहा कि थिंक करो, सोचो, उसके बाद करा कि बिलीव करो अपनी बात पे और तीसरी बात कही कि ड्रीम, सपना देखो, और चौथी बात उसने कही कि डेयर करो। यस, डेयरिंग करो, हिम्मत करो और उस हिम्मत से लग जाओ अपने गोल की तरफ। तो उस बुजुर्ग आदमी ने ये 4 बातें कही और ये 4 बातों से उसने उसका वो जादुई कुआं बनाया था। जब भी उसे जरूरत पड़ती थी ये 4 बातें का यूज करके वो कुओं में से अपनी सफलता निकाल लेता था। आप भी अपना ये जादुई कुआं बना सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता है ये जादुई कुआं बनाने वाला वो वृद्ध आदमी कौन था? मैं बताता हूँ, वो जादुई कुआं वाला कोई चमत्कारी कथा का नहीं, वो जीवित आदमी था। उसका नाम था वॉल्ट डिज्नी। जी हाँ दोस्तों, डिज्नीलैंड की जिसने थीम पार्क बनाया है, डिज्नीलैंड की जिसने स्थापना की है, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ, वॉल्ट डिज्नी की। जी हाँ दोस्तों, उसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके लेकिन उसने अपनी सोच बनाए रखी, उसने अपने पे बिलीव रखा, उसने एक सपना देखा सबको एंटरटेनमेंट करने का और उसने डेयरिंग किया और आज आप देख सकते हो कि वॉल्ट डिज्नी कितनी बड़ी ब्रांड है और वर्ल्ड डिज्नी में कितने बड़े लोग जाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। वो खुद तो अभी आनंद
वो खुद तो अपनी जिंदगी में आनंदमय पसार की, लेकिन अभी वो लोग उसके उसके जो कर्म है, उसने जो कार्य किया है, इससे और लोग भी अपने जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं। ऐसे ही हम अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चार बात याद रखना, थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड हौसला, यानी कि डेयर, डेयरिंग करना। तो आगे बढ़िए, सीखते रहिए, कहानियों का मजा लेते रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए, आपके लाइक के मेरा हौसला बढ़ता है। और शेयर करना ना भूले फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और अदर सोशल नेटवर्किंग पे। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे का लाल बटन दबा के, उसके बाजू में बेल का आइकॉन है वो भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली हर कहानी आपको मिले तुरंत सबसे पहले। और अगर आप मेरे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक जबरदस्त और सच्ची अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। हूँ धवल।